वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 के लिए पेपर टू का पार्ट बी, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑलरेडी देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल प्रोविजंस। जो लीगल प्रोविजंस दिए हैं सीआरपीसी या फिर आईपीसी में, जो डिफरेंट धाराएं दी हुई है या सेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग देखते हैं लीगल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन टू वुमेन। आज हम लोग देखने वाले लीगल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन टू वुमेन। जो लीगल प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी या फिर आईपीसी में, जो भी लीगल प्रोविजंस दिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए, तो वो हमको देखना है। जैसे हमको पता है कि स्टेट इंश्योर करती है इक्वल राइट, जो वुमेन है उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ताकि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है डिफरेंट टाइप के, या वायलेंस है या अट्रोसिटीज है, उनको काउंटर कर सके, ठीक है। एट द सेम टाइम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है इंडिया में उनको। इन इंडिया वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स सच एज रेप, मर्डर, रॉबरी, चीटिंग। बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, हालांकि सबके साथ होते हैं, बट वुमेन के साथ जो रेशियो है इनका वो बहुत ज्यादा है, जो रेप, मर्डर, रॉबरी या फिर चीटिंग के जो क्राइम्स होते हैं। देन इंडियन पीनल कोड 1860 मेक्स सेवरल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट क्राइम। आईपीसी जो है उसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं जिससे वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको रोका जा सके। तो फर्स्ट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस एज पर सेक्शन 375 डिफाइंड एज रेप एज इंटरकोर्स विद अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट एंड विद वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज विथ और विदाउट हर कंसेंट। अब यहां पर क्या डिफरेंस है कि अगर कोई वुमेन है या कोई गर्ल है जो बिलो 16 ईयर्स है, अगर उसके साथ इंटरकोर्स होता है उसकी मर्जी या बिना मर्जी के, तो दोनों केसेस में वो रेप ही माना जाएगा। अबव 16 ईयर्स है तो उसकी मर्जी से होता है तो रेप नहीं माना जाएगा, अगर विदाउट हर कंसेंट होता है तो वो माना जाएगा रेप। तो यहां पर ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। देन सेक्शन 376 मेक्स प्रोविजन, ये 70 जो 375 है ये भी याद रखें किसमें दिया है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। देन 376 जो है मेक्स प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर रेप विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म फ्रॉम 7 years to 10 years विद अ फाइन और विद बोथ। अब क्या है यहाँ पर, कम से कम जो पनिशमेंट है वो 7 years की है, 10 years तक भी हो सकती है, और या तो फाइन लगेगा या दोनों भी होंगे, फाइन भी लगेगा और 7 to 10 years की इम्प्रिजनमेंट भी उनको मिलेगी। देन किडनैपिंग एंड एबडक्शन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें अलग अलग सेक्शंस में इसमें दिया हुआ है, सेक्शन 363 to 373 में ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है। एज पर 364 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 7 years। अब जैसा मैंने बताया कम से कम 10 साल की सजा होगी और कम से कम 7 साल की सजा होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। होमिसाइड फॉर डॉरी, होमिसाइड क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने ही घर के लोगों को, एक या उससे ज्यादा लोगों को मारता है, तो मारता दैट मींस मर्डर करता है, तो उसको कहते हैं होमिसाइड, घर के लोगों को मारना। जो डाउरी के लिए होती है, दहेज के लिए, डाउरी डेथ्स और देयर अटेम्प्ट डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 302। अब यहां पर देखिए 302 में मर्डर के लिए प्रोवाइडेड है वैसे, पर इस सेक्शन में डाउरी की वजह से अगर कोई होमिसाइड करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर भी करता है तो वो सारी चीजें दी गई है 302 एंड 304B एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 174(3) ऑफ सीआरपीसी। जो सीआरपीसी का 174 है सेक्शन, उसके थर्ड क्लॉज में दिया हुआ है ये। देन एज पर सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर मर्डर, इट मीन्स हूएवर कमिट्स मर्डर शॉल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शॉल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब क्या यहाँ पर जो भी कोई बंदा अगर मर्डर करता है तो उसको अंडर सेक्शन 302 उनको पनिशमेंट दी जाएगी, किसकी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर डेथ पेनल्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेक्सुअल हेरासमेंट, एज पर सेक्शन 509 टॉक्स अबाउट वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल्स अप टू 21 ईयर्स एज। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि
जो 509 है उसमें बताते हैं, अगर कोई ऐसा जेस्चर या फिर कोई एक एक्ट करता है जो किसी विमेन की मोडेस्टी को की इंसल्ट हो, तो उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट समझा जाएगा। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल्स, इम्पोर्टेशन मीन्स क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं उनको इम्पोर्ट करना, या फिर आयात जिसको कहा जाता है हिंदी में, और जो 21 ईयर्स की एज तक, मतलब 21 साल की लड़कियों तक के इम्पोर्टेशन की यहाँ पर बात की गई है। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 366B ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल्स, टॉर्चर बोथ मेंटल एंड फिजिकल। एज पर सेक्शन 498A टॉक्स अबाउट टॉर्चर बोथ मेंटल एंड फिजिकल। यहाँ पर जो सेक्शन 498 है वो बताता है किसके बारे में, जो टॉर्चर होता है गर्ल्स या विमेन पे, जो मेंटल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। देन सम एक्ट विच हैज स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड विमेन एंड देयर इंटरेस्ट आर दी एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब जो गर्ल्स है और विमेन है उनके राइट को सिक्योर करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए उनके इंटरेस्ट को क्या आया है, एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट जो 1948 में आया है, द प्लांटेशन लेबर एक्ट जो 1951 में आया है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में आया है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, एंड ये एक्ट आपको इन डिटेल पढ़ना भी है, द इक्वल रिमुनरेशन एक्ट 1976, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट 1979, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में आया है। तो ये सारे एक्ट, अगर आप कभी क्वेश्चन आया मेंस में कि कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है, कौन कौन से ऐसे एक्ट है जो विमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं, तो अगर ये चीजें जो यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई है ये याद रहे आपको, और ये अगर आप एग्जाम में लिखे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और काफी फर्क पड़ेगा। देन नेक्स्ट है प्रोविजंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब CRPC में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। राइट टू प्रिवेसी वाइल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि जब कोई विमेन है जिस जो रेप विक्टिम है, अगर उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वहां पर उनको राइट टू प्रिवेसी है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग हो, जो एक या दो लोग जो जरूरी है, जो जज हो या फिर उनके जो भी एडवोकेट वगैरह हो या पुलिस ऑफिसर, उसके अलावा कोई वहां पर नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पर इनको राइट टू प्रिवेसी प्रोवाइड किया गया अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। CRPC के सेक्शन 164 में प्रोवाइड किया गया है, अ वुमन हु हैज बीन रेप्ड कैन रिकॉर्ड हर स्टेटमेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेन केस इज अंडर ट्रायल एंड नो वन एल्स नीड टू बी प्रेजेंट। अब यहां पर कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सिर्फ उनके सामने भी वो केस के लिए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, किसी और के वहां रहने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिवली शी कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट विद ओनली वन पुलिस ऑफिसर एंड वेमेन कॉन्स्टेबल इन अ कन्वीनियंट प्लेस। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर जो है उनके साथ और एक वेमेन कॉन्स्टेबल के साथ भी वो अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है। दैट इज नो क्राउडेड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट बींग ओवरहर्ड बाय द थर्ड पर्सन, ताकि लोगों को ना पता चले, क्योंकि अब हमारे सोसाइटी में इन सब चीजों के लिए लड़कियों को भी कई बार जिम्मेदार ठहराया जाता है और उनको अलग नजरों से देखा जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए और लड़कियों को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भैया तुम्हारे जो स्टेटमेंट है वो कुछ लोगों के सामने ही रिकॉर्ड हो रहा है या एक या दो लोग हैं, तो तुम इजिली सब कुछ बता सकती हो। देन पुलिस कांट से नो, अ रेप विक्टिम कैन रजिस्टर हर कंप्लेंट फ्रॉम एनी पुलिस स्टेशन अंडर 0 FIR। अब क्या होता है, 0 FIR के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, कोई भी रेप विक्टिम हो तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं, FIR जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो उनका एरिया है या नहीं है, तो वो कहीं भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और समटाइम्स द पुलिस स्टेशन अंडर विच द इंसिडेंट ऑकर्स रिफ्यूज टू रजिस्टर द विक्टिम्स कंप्लेंट इन ऑर्डर टू कीप क्लियर
ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई सेंडिंग द विक्टिम टू अनदर पुलिस स्टेशन। अब कई बार क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन में गए बंदे, वहां पर नहीं कंप्लेंट लिख रहे हैं, वो क्या है, वो चाहते हैं पुलिस वाले कि हमारा जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो क्लियर रहे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना रहे, तो इसलिए जो विक्टिम है उनको भेज दिया जाता है दूसरे पुलिस स्टेशन। तो इन सच केसेस शी हैज द राइट टू लॉज एन FIR एट एनी पुलिस स्टेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ 0 FIR। अब इन केस में क्या होता है कि जो विक्टिम है, रेप विक्टिम, वो कहीं भी अपनी FIR लिखा सकती है अंडर 0 FIR जो प्रोविजन दिया गया है। देन सर्च बाय अनदर वुमेन only under section 51(2) of crpc when an accused is a woman another woman should make search with a strict regard to decency। ab kya hota hai ki agar koi accused jo hai wo ek woman hai to usko search karne ka right jo hai wo bhi ek woman ka hi hoga, women constable ho ya officer, sirf wahi search kar sakte hain aur koi nahi। ye kis section mein provide kiya gaya hai? 51(2) of crpc। then opportunity to come out of the house Section 47(2) of CRPC says, if the accused hides in the house of a female who, according to custom, does not appear in the public, the police cannot enter the house or break the house open unless notice is given to such female, withdraw and give her reasonable facility to withdraw herself। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाओं को बाहर निकलने की जो परमिशन नहीं होती है, अगर उनके घर कोई अक्यूज छुपा हुआ है, तो इन केस आपको पहले से, जो पुलिस है उनको पहले से नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं या जो एक्यूज है उसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है, और उसको रीजनेबल फैसिलिटीज दी जाएगी तो उनको खुद को बाहर निकालने के लिए। देन मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ फीमेल प्रैक्टिशनर। अब यहां पर दिया हुआ है अंडर सेक्शन 53(2) में सीआरपीसी में, व्हेन अ पर्सन टू बी एग्जामाइंड मेडिकली इज अ फीमेल। अब कोई पर्सन है जो फीमेल है, अगर उसका उसको मेडिकली एग्जामाइन करना है तो ये किस कौन करेगा? ये सिर्फ एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है, नॉट मेल। अगर फीमेल है तो फीमेल ही कर सकते हैं। Then attendance cannot be required at any other place. Section 160 CRPC protect women saying that no woman shall required to attend any place other than a place in which she resides. Hence a police officer cannot require the attendance of a woman, but on the contrary he has to go to the place where she resides for making an investigation and can interrogate in the presence of a woman constable and family members or friend. Ab kya hota hai ki koi case hai के उससे रिलेटेड कोई चीज है जो पुलिस को पूछना है, तो उसके बारे में प्रोवाइड किया है सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कि आपको कोई विमेन को कहीं भी बुलाने के लिए कि जो परमिशन है वो नहीं है, आपको इनफैक्ट उनके घर जाना होगा, उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के सामने इंटेरोगेट करना होगा विद अ विमेन कॉन्स्टेबल, ये बहुत जरूरी है। देन नो अरेस्ट आफ्टर सनसेट। अब क्या होता है, बिकॉज टू कंसर्न ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन सेक्शन 46(4) जो है वो प्रोवाइड करता है फॉरबिड ऑफ अरेस्ट ऑफ वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। मतलब शाम को और सुबह होने के पहले तक किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या है? इन विच पुलिस केस द अरेस्ट कैन बी डन बाय अ वुमेन ऑफिसर आफ्टर मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब बहुत जरूरी है किसी वुमेन को अरेस्ट करना, तो उसके लिए प्रायर परमिशन लगेगी और एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। परमिशन किसकी लगेगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का, उनकी परमिशन। देन टाइम डज नॉट मैटर इन केस ऑफ रेप और मोलेस्टेशन। पुलिस के नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR इवन इफ अ considerable period of time has elapsed since the incident। अब क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कई बार social pressure की वजह से जो victim है वो report नहीं लिखा पा रही है, FIR नहीं करवा पा रही है, तो अगर कुछ time बाद भी वो चाहे तो FIR करवा सकते हैं और इसके लिए पुलिस मना नहीं कर सकती। देन प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज कैन द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम बी रिवील्ड। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेप विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती।
किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी मेक्स द डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम अ पनिशेबल ऑफेंस. मतलब अगर कोई किसी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी बताता है तो वो क्या होगा, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी. Then doctor's report is not a conclusive proof. A case of rape cannot be dismissed even if a doctor says no rape had been committed. अब यहाँ पर ये बहुत important चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के हिसाब से ही माना जाएगा कि rape हुआ है या नहीं हुआ है. अगर कई बार कई केसेस में अगर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कि रेप नहीं हुआ है, तब भी ये माना जाएगा कि मे बी रेप हुआ हो. उसकी जो रिपोर्ट है, डॉक्टर की रिपोर्ट, वो फाइनल नहीं मानी जाएगी. रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर कैन ओनली एक्ट एज अ प्रूफ. अब यहां पर जो रिपोर्ट है डॉक्टर की, वो सिर्फ एक प्रूफ के लिए यूज की जा सकती है. द ओनली स्टेट दैट कैन बी मेड बाय द मेडिकल ऑफिसर इज दैट देयर इज एविडेंस ऑफ रिसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी. अब यहां पर क्या होता है कि किसी मेडिकल ऑफिसर की एक ही बात सबसे ज्यादा जो मायने रखती है कि अगर वो बताता है कि रिसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी है तो उसको माना जाएगा, बट अगर वो कहता है कि रेप नहीं हुआ है तो ये नहीं माना जाएगा. वेदर द रेप हैज ऑकर्ड और नॉट इज अ लीगल कंक्लूजन एंड डॉक्टर कैन नॉट डिसाइड दिस. अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो नहीं, उसकी सिर्फ रिपोर्ट है कि यहां पर रेप जो है वो एक लीगल कंक्लूजन है, एक लीगल टर्म है रेप, लेकिन डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो हुआ है या नहीं हुआ है. देन गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पढ़ते रहिए.